हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 9th क्लास इंग्लिश के बीहाइव टर्म 2 में जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं वो सारे चैप्टर्स आप एक वीडियो में देख सकते हैं, जो कि हैं बॉन्ड ऑफ लव, इफ आई वर यू, संतोष यादव, पैकिंग और मारिया शारोपोवा। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। अगर एग्जाम से पहले इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेते हैं तो एग्जाम में आप बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। पैकिंग, ये कहानी है दोस्तों, तीन दोस्तों की जो किसी यात्रा के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक का नाम है जेरोम, दूसरे का नाम है जॉर्ज और तीसरे का नाम है हैरिस। तीनों अपने आप को पैकिंग में बहुत एक्सपर्ट समझते हैं और किस किस तरह से वो अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं, चलो हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे जो राइटर है उसका नाम जेरोम है। जेरोम ने कहता है कि चलो मैं तुम्हें पैकिंग करके दिखाता हूँ। पैकिंग एक ऐसी चीज है जिसमें मैं बहुत ही एक्सपर्ट हूँ। अब ये जो जेरोम जो है, जो राइटर है, जॉर्ज और हैरिस को इस बात से प्रभावित करना चाहता था। बोला कि मैं सब पैकिंग कर दूंगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब जॉर्ज ने क्या किया, अपने आप को इजी चेयर पे बैठा लिया और इसी प्रकार से हैरिस भी अपने पैर मोड़ के आराम से सोफे पे बैठ गए। दोनों दोस्त कुछ नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे जेरोम जो राइटर है वो सारी पैकिंग कर रहा है। अब राइटर का जो कहने का मकसद था कि मैं पैकिंग में एक्सपर्ट हूं, तो वो ये नहीं कहना चाह रहा था कि सारी पैकिंग मैं ही करूं। वास्तव में वो ये कहना चाह रहा था दोनों दोस्तों से कि मैं तुम्हें बताऊंगा, हैरिस और जॉर्ज, मैं तुम्हें बताऊंगा कि पैकिंग कैसे करनी है। वो बॉस बनना चाहता था उन दोनों का कि तुम्हें किस प्रकार से पैकिंग करनी है, लेकिन दोनों दोस्त ऐसे हैं वो चुपचाप बैठ गए और उससे ये सारी पैकिंग करवा रहे हैं। अब राइटर जेरोम है वो कह रहा है कि मुझे ये बहुत ही इरिटेटिंग, बहुत ही परेशान करने वाली बात लगती है कि मैं तो काम कर रहा हूं और मेरे साथ वाले बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। उसने बताया कि मैं एक बार एक ऐसे आदमी के साथ रहता था जिसने मुझे लगभग पागल बना दिया। जब भी मुझे कोई काम करना होता, पैकिंग करनी होती, तो मैं लगातार उस काम को करता रहता और मेरा दोस्त जो है वो बैठे बैठे मुझे देखता रहता। वो यूं ही टाइम पास करता रहता और कुछ भी काम नहीं करना चाहता। तो जेरोम यहाँ इन दोनों को कहना चाह रहा है कि मैं इस काम का सुपरवाइजर बनना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अपने हाथ से डायरेक्शन देके कि मैं किस तरह से पैकिंग का एक्सपर्ट हूँ। लेकिन यहाँ पे वो कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि दोनों दोस्त उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। फिर भी किसी प्रकार से मैंने पैकिंग स्टार्ट की। ये एक बहुत लंबा कार्य था और मैंने धीरे धीरे इसको खत्म किया और जब मैंने इसको लगभग खत्म कर लिया तब मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, हैरिस ने, कि क्या तुमने अपने बूट्स पैक कर लिए। तो मुझे याद आया कि शायद मैं तो इन्हें पैक करना भूल ही गया और वो हंसने लगा। ये हैरिस का ऐसा ही सिद्धांत है। हैरिस हमेशा ऐसा ही करता है। जब भी कोई काम करना होता है वो पहले नहीं बोलता है। जब मैंने बैग को पूरी तरह से पैक करके बांध दिया तब वो हंसते हुए मुझे कहने लगा कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, मुझे वो पागल बनाने का प्रयास कर रहा है। मैंने बैग को दोबारा खोला, दोबारा मैंने अपने बूट्स को अंदर रखा और सब कुछ सही कर दिया। तभी मुझे एक खतरनाक विचार मेरे दिमाग में आया, क्या मैंने अपने टूथब्रश को अंदर पैक किया है या नहीं है। ये एक ऐसी वस्तु है जो हमेशा मुझे परेशान करती है। मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ कि मैंने इसे पैक किया है या नहीं किया। मेरी टूथब्रश जो है वो मुझे हमेशा ही तकलीफ देती है जब भी मैं यात्रा करता हूँ। मुझे सपना आता है कि मैंने अपने टूथब्रश को पैक नहीं किया है और मैं अचानक अपने बेड से खड़ा होता हूँ, उसको तलाशता हूँ और जब मैं तलाशने लगता हूँ तो मुझे मिलता नहीं है। फिर मैं इसे पैक कर देता हूँ, उसे मैं दोबारा खोलता हूँ और मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मेरा ब्रश कहाँ पे चला गया। और एंड टाइम पे जब मैं जा रहा होता हूँ तो तुरंत मुझे क्या करना पड़ता है, मेरे ब्रश को हैंडकरचीफ में लपेट के भाग के ले जाना पड़ता है। तो मेरा ब्रश मुझे हमेशा ही परेशान करता है। अब मैंने सारी चीजों को यहां से वहां पलट लिया, सब कुछ ढूंढ लिया, लेकिन मेरा ब्रश मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा सामान ऐसे हो गया जैसे दुनिया शुरुआत में होने वाली थी,
अव्यवस्थित दुनिया जो थी वैसा मेरा सामान हो गया, लेकिन मेरा ब्रश मुझे कहीं नहीं मिला। जोर जोर हरीश का ब्रश मुझे 18 बार मिल गया, लेकिन मेरा मुझे नहीं मिला। और फिर अंततः जाके मुझे मेरा ब्रश एक शूज के अंदर, बूट के अंदर मिला, और मैंने फिर से इसे पैक कर दिया। जब मैंने सारी पैकिंग को खत्म कर लिया तो जॉर्ज ने मुझसे पूछा, क्या साबुन अंदर है? तो मैंने कहा, अब मुझे कोई परवाह नहीं है कि वो अंदर है या बाहर है। मैंने धड़ाम से बैग को बंद किया, इसको स्ट्रिप्स लगा दिया और मैंने अपने चश्मे को भी अंदर रख दिया। अब मुझे दोबारा खोलना पड़ा। लगभग रात को 10 बजे मैंने इसे पूर्णतः बंद कर दिया, 10:05 पे। और हैम्पर्स का काम, कुछ टोकरियों का काम, जो खाने पीने का सामान था वो सब पैकिंग करना बाकी था। तो हैरिस और वो जो थे वो चाह रहे थे कि हमें मौका दिया जाए, हम भी कुछ कर लें। तो अब मैं बैठ गया और मैंने उन्हें कहा कि अब ये सारा काम, बाकी का काम तुम कर लो। अब उन्होंने बहुत ही हल्के मूड में पैकिंग करना शुरू किया और मुझे दिखाना चाहते थे कि हम भी बहुत अच्छे दुनिया के पैकर्स हैं। और वास्तव में देखा जाए तो जॉर्ज और हैरिस हैं इस दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे बुरे पैकर्स थे। उन्होंने ये प्लेट्स, कप्स, केटल, बोतल, जार, पाइप, स्टोव, केक, टोमेटो, इन सब चीजों को पैक करने का किस तरह का नया तरीका ढूंढ लिया वो बड़ा ही आश्चर्यजनक था। किस तरह से इन सब चीजों को पैक करेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने किया, उन्होंने स्टार्ट किया। एक कप को तोड़ के ऐसा ही वो कर सकते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने चीजों को बहुत ही रुचिकर बना दिया। हैरिस जो था उसने स्ट्रॉबेरी जैम को जो था टोमेटो के ऊपर पैक कर दिया और टोमेटो पिचक गया और उसमें से टोमेटो निकल गया, वो एक चम्मच से निकाल लिया गया। उसके बाद में जॉर्ज का नंबर आया। जॉर्ज ने क्या किया, ब्रेड के ऊपर अपना पैर रख दिया और उसको ढूंढने लगा कि ये कहाँ है, वहां है, और वो इधर उधर पागलों की तरह दौड़ने लगे, ढूंढने लगे। जिन चीजों को वो ढूंढना चाह रहे थे वो उन्हें मिल नहीं रही थी। उन्होंने हल्के सामान के ऊपर भारी सामान को रख दिया और इससे हल्के सामान जो थे वो सारे टूट फूट गए या नष्ट हो गए। उन्होंने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, नमक को यहाँ वहां गिरा दिया, बटर को यहाँ वहां फैला दिया। और मैंने दो इंसानों को कभी भी बटर के साथ इतने जादुई कारनामे करते हुए नहीं देखा। जॉर्ज ने अपनी स्लीपर से बटर को उतारा, फिर इसको केटल में डालना चाहा, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है। फिर इसको खींच के उतारा, फिर इसको चेयर पे रख दिया। हैरिस उस चेयर पे बैठ गया, वो उसके चिपक गया। अब वो पूरे कमरे में ढूंढ रहे हैं कि हमारा बटर कहाँ गया, अभी तो हमने देखा था लेकिन अभी हमें नहीं मिल रहा है। मैंने कसम खाई कि मैं चेयर पे बैठ जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, और वो चुपचाप बैठ गए। अब मैंने क्या देखा, ये अपने आप दोनों कर रहे थे, क्या कर रहे हैं, ये पैकिंग कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से क्या करना है। मैंने दुनिया का अजीब कारनामा इन दोनों के हाथों होते हुए देखा। जोर जो वो हैरिस के पीछे मुड़ के देख रहा है कि मैं कहाँ गया, वो बटर कहाँ गया, मैं यहाँ वहां ढूंढ रहा हूँ, तुम खड़े हो जाओ, मैं जल्दी देखता हूँ। और देखा कि उसके पीछे बटर लगा हुआ है। फिर इसको फाइनली उन्होंने एक बर्तन में डाल दिया। और इसके साथ ही साथ मॉन्टमोरेंसी जो कुत्ता है वो भी कम नहीं है। उसका जीवन में एक ही लक्ष्य है, उसने शपथ दे रखी है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई काम करेगा तो उसके अंदर वो अपनी टांग बीच में लगाएगा और पूरा पूरा उसको परेशान करेगा। और जब तक एक दो बार उसको पीटा न जाए, उसके ऊपर सिर के ऊपर कुछ न कुछ फेंका न जाए, तब तक उसका दिन पूरा नहीं होता है। और उसका सबसे बड़ा लक्ष्य है किसी को अपने ऊपर गिरा देना। और जैसे ही ये उसका काम हो जाता है तो उसको बड़ा ही आनंद आता है। वह आता है, चीजों पे बैठ जाता है, पैकिंग करने में लोगों को परेशान करता है। हैरिस और जॉर्ज जब भी कुछ ढूंढना चाहते हैं तो वो अपनी नाक बीच में घुसा देता है, और जब भी वो कुछ पकड़ रहे हैं तो उसकी नाक उनके हाथ में आ जाती है। और जो मॉन्टमोरेंसी जो कुत्ता है वो नींबू के पीछे पड़ गया, उसने सोचा कि ये चूहे हैं, और 2-3 नींबू को उसने मार डाला। फिर हैरिस ने उसको फ्राइंग पैन से मारा, तब जाके उससे छुटकारा मिला। हैरिस ने कहा कि इस कुत्ते को, मॉन्टमोरेंसी को तुमने उत्साहित किया है, मैं भला उसे क्यों उत्साहित करूंगा। इस तरह के कुत्तों को किसी उत्साह की आवश्यकता नहीं है।
इस तरह के कुत्ते तो जन्मजात ही परेशान करने के लिए बने होते हैं। लगभग रात को 12:50 में हमारी पैकिंग पूरी हुई और हैरिस वो टोकरी पे जाके बैठ गया और मैंने कहा कि अरे इससे कुछ टूट जाएगा। बोला नहीं, जॉर्ज ने कहा कुछ नहीं टूटेगा, और हाँ अगर कुछ टूटने वाला है तो वो टूट चुका होगा, इसलिए अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग सोने के लिए चले गए और हमने बेड के लिए टॉस कर लिया, कौन किधर सोएगा। जेरोम और मैं बातें कर रहे थे, वो कह रहा है कि क्या तुम अंदर सोना चाहोगे बेड की तरफ, वो कह रहा नहीं मैं बाहर सोना चाहूंगा। और फाइनली हम लोग ने डिसाइड किया कि कौन कैसे सोएगा। फिर जागने के लिए बात करने लगे, हमें किस समय जगना होगा। हैरिस ने कहा 7 बजे, मैंने कहा नहीं 6 बजे। और विन में काफी देर तक झगड़ा हुआ, फिर डिसाइड हुआ कि 6:30 बजे हम लोग जग जाएंगे, क्योंकि उन्हें यात्रा पे जाना था। जॉर्ज ने किसी प्रकार का कोई आंसर नहीं दिया, क्योंकि जॉर्ज जो है वो पहले से ही सो चुका था। और हमने क्या किया, जॉर्ज जहाँ उठने वाला था वहां पे एक बाथटब रख दिया ताकि जैसे ही वो सुबह उठे तो उसमें गिर जाए। तो आज पढ़ेंगे संतोष यादव के बारे में, जिसने माउंट एवरेस्ट पे भारत का झंडा 2 बार फहराया और ये दिखा दिया कि अगर लड़कियां चाहें तो वो दुनिया में कुछ भी कर सकती है। संतोष यादव एक ऐसी महिला है जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पे अपना भारत का झंडा फहराया, और उनका जन्म एक ऐसे स्थान पे हुआ था जहाँ पे बेटियों के जन्म पे कोई अधिक खुशी नहीं हुआ करती थी और बेटों के जन्म का इंतजार किया जाता। बड़े ही संयोग की बात है कि जब उनका जन्म हुआ उससे पहले उनके घर पे एक साधु महात्मा आए थे और उनको आशीर्वाद दिया, उनकी माता जी को आशीर्वाद दिया कि बेटी आपको जल्दी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो संतोष यादव की दादी ने उनसे कहा कि हमें पुत्र नहीं, हमें पुत्री चाहिए, और वो बड़े ही आश्चर्यचकित हुए, परंतु उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपको जल्दी पुत्री की प्राप्ति होगी, और वैसा ही हुआ। संतोष जो थी वो 6 बच्चों में सबसे छोटी थी, उनके 5 बड़े भाई थे। जूनियावास के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो कि हरियाणा में है वहां पे संतोष यादव का जन्म हुआ। संतोष जो थी वो समाज में अपनी जो स्थिति है उसको लेके हमेशा संतुष्ट नहीं रहती थी। संतोष कोई भी गलत काम नहीं करना चाहती थी, परंतु वो ये चाहती थी कि लड़कियों को पूरी आजादी मिले। बाकी लड़कियां जो कि पारंपरिक या पुरानी ड्रेस पहना करती थी, संतोष को ये सब पहनना पसंद नहीं था। वो आरामदायक कपड़े पहनना पसंद करती थी और वो कहती थी अगर मैं सही हूं और अगर मैं सही रास्ते पे हूं तो मेरे आसपास में लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। संतोष के जो पेरेंट्स थे वो काफी पैसे वाले अमीर जमींदार थे, और वो अगर चाहते तो अपनी बेटी को बड़े से बड़े स्कूल में भेज सकते थे। पास में दिल्ली जो उनके बिल्कुल नजदीक था वहां भी बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए भेज सकते थे, लेकिन जैसे उनके परिवार का रीति रिवाज चला आ रहा था कि सारे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ते थे, तो संतोष को भी वहीं पढ़ाई करनी पड़ी। लेकिन संतोष ने ये सोच लिया था कि मैं इन सब चीजों के खिलाफ लड़ूंगी, और जब सही वक्त आएगा तब मैं इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। जब संतोष 16 साल की हुई तो लगभग 16 साल की उम्र में उनके गांव में सभी लड़कियों की शादी कर दी जाती है, और संतोष पे भी उनके माता पिता प्रेशर बनाने लगे, दबाव देने लगे कि अब आपको भी शादी कर लेनी चाहिए। संतोष ने घर छोड़ दिया और दिल्ली के एक स्कूल में चली गई, अपना नाम वहां दाखिल करवा लिया, और उसके माता पिता ने जब उससे कहा कि हम आपकी फीस वहां जमा नहीं कराएंगे तो उसने बहुत ही विनम्रता पूर्वक अपने माता पिता से कहा कि अगर आप मेरी फीस जमा नहीं करवाएंगे तो मैं पार्ट टाइम काम करके मेरी फीस जमा कराऊंगी, लेकिन मुझे पढ़ाई तो आगे करनी है। इसी बात को देख के संतोष के माता पिता संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि हम आपकी फीस देने को तैयार हैं। संतोष हमेशा अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करती रही, मैं थोड़ा और पढ़ना चाहती हूँ, मैं थोड़ा और पढ़ना चाहती हूँ, मैं थोड़ा और पढ़ना चाहती हूँ। ऐसे करते करते वो आगे पढ़ाई करती चली गई और जयपुर में आके महारानी कॉलेज में उन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, और वहीं एक कस्तूरबा हॉस्टल में वो एक कमरा लेके वहीं रहने लगी। संतोष को आज भी वो बात याद है, कस्तूरबा हॉस्टल के सामने अरावली पहाड़ियां हैं, और वहां से वो देखा करती थी कि गांव के लोग इन अरावली पहाड़ियों पे जाते थे और अचानक गायब हो जाया करते थे। संतोष को बड़ा ही आश्चर्य होता था कि ये सब लोग कैसे गायब हो रहे हैं।
उसने एक दिन निश्चय किया कि वो इन सब बातों का पता लगाएगी। और एक दिन वो उनके पास में गई और उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये सब लोग माउंटेन पे ऊपर चले जाते हैं। तो वो उसने पूछा कि क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, तो उन्होंने हाँ की। और उस दिन से संतोष ने ये दृढ़ निश्चय किया कि मैं भी माउंटेन क्लाइंबिंग करना सीखूंगी। उसने पैसा बचाया और पैसा बचाने के बाद में उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनिंग के लिए है उसमें एडमिशन ले लिया। और उसके बाद में हर साल वो वहां पे जाने लगी और धीरे धीरे कड़ी मेहनत के साथ में दृढ़ निश्चय के कारण और खूब उन्होंने जो मेहनत की उसके कारण से उनकी शक्ति और उनकी क्षमता बढ़ती गई और वो अपने आप को आगे से आगे साबित करती गई। और संतोष की ये जो कड़ी मेहनत है वो 1992 में 4 साल पहले जो उन्होंने यात्रा शुरू की उसके बाद में सफलता उनको मिली। लगभग 20 साल की उम्र में संतोष यादव जो है सबसे युवा महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पे अपना भारतीय झंडा लहराया था। अगर हम उनकी स्किल की, फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ की बातें करें तो उनके जो बड़े साथी जो थे वो सारे उनसे काफी प्रभावित हो गए कि इतनी कम उम्र में वो सब उसमें इतनी दक्षता, इतनी सारे गुण कैसे आ सकते हैं। 1992 में जो एवरेस्ट की जो यात्रा की गई उसमें संतोष यादव ने अपने साथियों को भी बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने एक अपने साथी को बचाने का प्रयास किया और उसको बचा नहीं सकी, परंतु दूसरे एक व्यक्ति और थे मोहन सिंह, उनके साथ में अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उन्होंने शेयर किया और उनकी जान बचाई। इसका मतलब संतोष अपने लक्ष्य के साथ साथ में मानवता का गुण भी रखती थी। लगभग 12 महीने में संतोष जो वो है इंडो नेपाली एक महिलाओं का एक दल था उसने उनको ज्वाइन कर लिया और एक बार फिर से वो माउंट एवरेस्ट पे चली गई। और इस प्रकार से वो पहली महिला बन गई जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पे फतेह हासिल की और अपने भारत के लिए एक स्वर्णिम रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया। अगर उनके अचीवमेंट्स की बात करें तो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। और वो कहती है, जब मैं एवरेस्ट पे थी तो उस क्षण के बारे में बता नहीं सकी, पहले तो मुझे यकीन भी नहीं हुआ कि मैं एवरेस्ट पे पहुंच गई हूँ, और जब मैं पहुंची तो फिर मैंने अपने यहाँ पे जाने के बाद में अपने भारत का झंडा वहां पे लहरा दिया जो कि दुनिया में सबसे ऊंचा उस समय लहरा रहा था। ये जो भावना है, ये जो फीलिंग है, ये जो एहसास है उसे बताया नहीं जा सकता। वो कह रही है, जब भारत का झंडा दुनिया में सबसे ऊंचा लहरा रहा था तो ये मेरे लिए एक आध्यात्मिक क्षण था और इस क्षण को मैं कभी भी नहीं भूल सकती। ऐसा भी बताया जाता है कि संतोष जो थी पर्यावरण के प्रति बहुत ही जागरूक थी। संतोष ने वहां से वापस आते समय लगभग 500 किलोग्राम कचरे को हिमालय से वापस लेके आई। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि संतोष और उस तरह के जितने भी यात्री वहां जाते हैं वो कुछ न कुछ कचरा वहां छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन संतोष ने उस कचरे को भी नीचे लाया। तो इसका मतलब है वो पर्यावरण के प्रति भी बहुत वफादार थी, बहुत जागरूक थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी संतोष यादव की, जिसने एक रूढ़िवादी गांव में जन्म लेके, एक रूढ़िवादी परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी इस दुनिया में हिंदुस्तान का झंडा और अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया। आज पढ़ने वाले हैं एक ऐसी लड़की के बारे में जिस लड़की ने बचपन में ही अपने माता और पिता से दूरी बर्दाश्त की, बहुत ज्यादा मेहनत की और मेहनत करने के बाद में एक विशेष क्षेत्र में अपना एक मुकाम बनाया और दुनिया में बनी नंबर 1। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं ये लड़की कौन है? जी हाँ दोस्तों, इस लड़की का नाम है मारिया सारापोवा। मारिया सारापोवा के बारे में कुछ अजीब बात है। उसकी जो मुस्कान है और उसका जो हाव भाव है उनको देखने से ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने इतनी ज्यादा कड़ी मेहनत की होगी, लेकिन 22 अगस्त 2005 को महिलाओं के टेनिस में वो दुनिया में नंबर 1 बन गई। और दोस्तों इस मुकाम को हासिल करने में उन्होंने बहुत ज्यादा समय नहीं लगाया। दोस्तों साइबेरिया की जो ये टीनेजर है इसने केवल 4 साल में इस मुकाम को प्राप्त कर लिया। आज भी उसको याद है मारिया शारापोवा को कि उनके पिताजी यूरी जो हैं उन्होंने उनको सफलता के रास्ते पे
ले जाके खड़ा किया, लेकिन इस रास्ते में, इस सफर में उनको 2 साल के लिए अपनी माता येलेना से दूर रहना पड़ा, क्योंकि माता जो थी उनका वीजा में कोई दिक्कत थी और वो अमेरिका नहीं जा पाई। इसलिए 9 साल की इस सारापोवा को अकेले ही रहना पड़ा। और जैसा कि हम कहते हैं, 9 साल की उम्र में जब इस लड़की ने इतने बलिदान दिए और उस बलिदान के कारण उसको ये सफलता प्राप्त हुई। जब 9 साल की उम्र पूरी हो चुकी थी और 10वें साल के अंदर जो पहुंची, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में अपने पिताजी के साथ में आ गई थी। मारिया सारापोवा आज भी कहती है कि मैं अपनी मदर को बहुत ज्यादा मिस किया करती थी और मेरे पिताजी जो कि कड़ी मेहनत किया करते थे मेरी ट्रेनिंग को चालू रखने के लिए, जारी रखने के लिए, तो मैं मेरे माताजी और पिताजी दोनों से दूर रहा करती थी, लेकिन मेरे दिमाग में मेरा लक्ष्य था, इसलिए मैं अपने लक्ष्य पे हमेशा डटी रही। आज भी वो कहती है कि मैं बहुत छोटी थी इसलिए 8 बजे के लगभग सोने के लिए चली जाया करती थी, लेकिन बाकी जो लड़कियां हैं वो ट्रेनिंग के लिए रात को 11 बजे आया करती थी और आने के बाद में मुझे जगाया करती थी और कहती थी कि कमरे को साफ करो, और भी बहुत सारे मुझसे काम करवाए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे दृढ़ निश्चय के साथ में और इन सब चीजों के साथ में मैंने अपने आप को संभालना सीख लिया। मैंने कभी भी इन सब चीजों को छोड़ने का निर्णय नहीं लिया। मैं चाहती तो छोड़ सकती थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरे पास कुछ नहीं है और मेरे पास खोने को भी कुछ नहीं है, इसलिए मुझे बहुत कुछ प्राप्त करना है। इसी कारण से मैं इतना दृढ़ निश्चयी बनी। और भी ज्यादा अगर मुझे अपमानित किया जाता, कड़ा वर्क अगर मुझे करना पड़ता, हार्ड वर्क या मेहनत मुझे और भी ज्यादा करनी पड़ती, तो मैं अपने सपने को प्राप्त करने के लिए कर सकती थी। अपनी यात्रा साइबेरिया के ठंडे इलाकों से, जो उसकी जो यात्रा है, महिला टेनिस के जो शिखर पे पहुंचने की जो यात्रा है, उसके बारे में वो कहती है कि सारे युवाओं को वो प्रेरणा देती है और सारे युवा वर्ग के लोग उससे बहुत प्रेरित होते हैं। सीधे साधी दिखने वाली मारिया सारापोवा कहती है कि मैंने जो जीवन में बलिदान दिए वो इस लायक थे, मैंने जो सफलता प्राप्त की है, इसलिए सफलता के लिए हमें कोई ना कोई बलिदान देना पड़ता है और मैंने भी वैसा ही किया। वो कहती है कि मैं बहुत ही कम्पिटिटिव यानी कंपटीशन में विश्वास करती हूँ, मैं हमेशा आगे बढ़ना चाहती हूँ, जीतना चाहती हूँ, जो भी मैं वो काम करती हूँ उसको बहुत कड़ी मेहनत से करती हूँ, यही मेरा काम है और यही मेरी सफलता का सूत्र है। मारिया सारापोवा अमेरिकन एक्सेंट, अमेरिकन प्रभाव में आराम से बोलती है, लेकिन वो आज भी कहती है कि मैं रशिया की निवासी हूँ और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। मैं मानती हूँ कि अमेरिका मेरे जीवन का बहुत बड़ा भाग है, लेकिन मैं वैसे तो रशियन ही हूँ। और रशिया के लोग अगर मुझे कहेंगे कि मुझे रशिया से ओलंपिक खेलना है, तो मैं आज भी खेलने के लिए तैयार हूँ। और जैसे टीनेजर होते हैं, जिस तरह से सफलता प्राप्त करते हैं, उनके मन में कुछ इच्छाएं होती है, फैशन की, नाच गाने की और सब हॉबीज होती है, वैसे ही मारिया के मन में भी ये है। मारिया को आर्थर कोनन डोयल के नोवेल पढ़ना बहुत पसंद है और उसके साथ में पैनकेक, चॉकलेट और कई तरह की ड्रिंक्स उनको बहुत ही अधिक पसंद है। मारिया के बारे में एक विशेष बात कही जाती है कि आप उनको विशेष वर्ग में नहीं डाल सकते, क्योंकि मारिया जो है उन्होंने बहुत अधिक कड़ी मेहनत की है और उन्होंने जो सफलता प्राप्त की है वो बहुत कड़ी मेहनत के साथ में हर एक क्षेत्र में उन्होंने मेहनत की है, इसीलिए वो दुनिया में टॉप पे, शिखर पे पहुंच पाई है और इस सफलता को बहुत ही कम लोग प्राप्त कर सकते हैं। मारिया कहती है कि मैं मानती हूँ पैसा एक बहुत बड़ी चीज है जो मुझे इससे मिला, लेकिन टेनिस एक ऐसा खेल है जिसके कारण से मैं दुनिया में नंबर 1 बनी और यही मेरा जो सपना था इसने मुझे आगे बढ़ाया और इसी सपने के साथ में आगे चलती रही। तो दोस्तों, ये थी मारिया सारापोवा की कहानी, जो जीवन में हमें प्रेरणा देती है कि अगर हम ठान लें तो हम कुछ भी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, चाहे कितनी भी मुसीबत आए
लेकिन हम सफलता को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। द बॉन्ड ऑफ लव, ये बहुत ही शानदार कहानी है एक लेडी की और उसने एक भालू पाला, उसके बारे में। इस कहानी में बताया गया है किस तरह से एक जानवर जो है वो इंसान के प्रति बहुत अधिक वफादार हो सकता है और उससे कितना अधिक प्रेम कर सकता है। राइटर जो है वो ये कह रहा है कि ये जो भालू है उसका नाम है ब्रूनो। ब्रूनो जो है वो उसकी पत्नी का जो पालतू स्लोथ भालू है उसका नाम है, और उसे जो ये भालू मिला था वो एक एक्सीडेंट यानी संयोग से मिला था। 2 साल पहले की बात है, वो मैसूर में सुगर केन के जो फील्ड होते हैं उनसे गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि उस समय जो लोग हैं वहां पे जंगली सुअर जो उनके खेतों में घुस जाते हैं उनको शूटिंग कर रहे थे और उन्हें भगा रहे थे। उनमें से कुछ को गोलियां लगी और कुछ बच के भाग गए। मैं भी मेरे साथी के साथ में वहां जा रहा था, तभी हमारे सामने एक ब्लैक स्लोथ बियर आ गया और अब मैंने ये सोचा मैं इस बियर को बिना किसी कारण के गोली नहीं मारूंगा, परंतु मेरा जो दोस्त था उसका कुछ अलग ही विचार था, उसने उसे तुरंत गोली मार दी और वो बेचारा जानवर वहीं गिर गया। जैसे ही हमने देखा कि वो जानवर गिरा उसके पास में कुछ हिल रहा था, तभी हमने देखा कि उसके साथ में एक छोटा बेबी बियर भी है जो अपनी मदर के पीठ पे बैठा हुआ था जिसे हमने गोली मार दी थी। ये जो छोटा बेचारा जीव है वो बहुत दर्द और तकलीफ से चिल्ला रहा था कि अब उसकी माँ उसके पास नहीं है। मैं दौड़ा इस छोटे से बियर को पकड़ने के लिए, ये खेतों में घुस गया और मेरे साथी के साथ में हम भी खेतों में चले गए। अंततः हमने इसे पकड़ लिया और इसे पकड़ के हमारे पास लेके आ गए। मैंने इसे एक गनी बैग में रख लिया जो मेरे पास था और फिर हम इसे बेंगलोर लेके चले गए। बेंगलोर जाने के बाद में इस बियर को मैंने अपनी पत्नी को भेंट कर दिया और मेरी पत्नी जो है वो इसे पाकर बहुत ही खुश हुई। उसने देखा कि ये कब जो है एक मेल है, इसलिए उसने इसका नाम ब्रूनो रख दिया। ब्रूनो वास्तव में एक बहुत ही प्यारा भालू था। धीरे धीरे मेरी पत्नी उसे बहुत अधिक पसंद करने लगी थी। ब्रूनो ने धीरे धीरे दूध पीना शुरू कर दिया था और वो तो इसके भी एक कदम आगे चला गया। उसके साथ में वो सब कुछ खाने पीने लगा था, जैसे कि सब्जियां, फल, मूंगफली, मीट, करी, चावल, मसाले, मिठाई, ब्रेड, एग, आइसक्रीम, मिल्क, टी, कॉफी। इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रूनो है वो कुछ भी खा सकता था, जो भी उसे खाने के लिए सामान मिलता वो उसे खा लेता और उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती और ये आसानी से उसके पेट में चला जाता और आसानी से हजम भी हो जाता। ये ब्रूनो बियर जो है धीरे धीरे हमारे जो दो पालतू अल्सेशियन डॉग थे उनका भी दोस्त बन गया और हमारे किराएदार के जो बच्चे थे उनके साथ में भी ये खेलने कूदने लगा। वह जब छोटा था तो ये बहुत खुला घूमता था और इन बच्चों के साथ में और जानवरों के साथ में अपना खेलते हुए समय व्यतीत करता था और अक्सर ये किचन में और हमारे बेड पर भी आ जाया करता था। एक दिन उसके साथ एक दुर्घटना घट गई। मैंने एक पॉइजन जिसे कि बेरियम कार्बोनेट कहते हैं उसको छोटे मोटे चूहे को मारने के लिए मेरी लाइब्रेरी में रखा था। ब्रूनो वहां पे गया और उसने सोचा कि ये कुछ खाने की चीज है और उसने इसे खा लिया और तुरंत उसको पैरालिसिस हो गया। वो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। उसने अपने पेट के बल अपने आप को खींचते हुए मेरी पत्नी को बुलाया और मेरी पत्नी ने मुझे बुलाया। मैं तुरंत समझ गया कि क्या हुआ होगा। हम तुरंत एक वेटनरी डॉक्टर के पास दौड़े और डॉक्टर को सारी बात बताई कि इसने बेरियम कार्बोनेट जो जहर है वो ले लिया है। डॉक्टर ने उसे तुरंत देखा, उसने अपनी मेडिकल बुक को बाहर निकाला और पूछा कि कौन सा जहर इसने लिया है। तो हमने बताया बेरियम कार्बोनेट। ओ, इसका सिम्टम होता है पैरालिसिस, लकवा पड़ जाना, इसे एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा एक ही मिनट में। मैं अभी सिरिंज और मेडिसिन लेके आता हूँ और इसे इंजेक्शन लगाते हैं। ब्रूनो को इंजेक्शन लगाया गया
लेकिन ब्रूनो अभी भी उसी अवस्था में था। वो बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा था, उसकी सांस फूलते जा रही थी और उसे सांस लेने में भी बड़ी तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर ने कहा इसे पकड़ो। उसने 10 cc का एक एंटीडोट इंजेक्शन उसे लगा दिया, लेकिन उसे कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। 10 मिनट के बाद में स्थिति वैसी की वैसी रही तो डॉक्टर ने एक और इंजेक्शन उसे लगा दिया। दूसरा इंजेक्शन लगने के थोड़ी देर बाद में ब्रूनो खड़ा हो गया और वो एकदम सही दिखाई दे रहा था, जैसे वो कह रहा हो मेरे जैसे इतने बड़े भालू के लिए बेरियम कार्बोनेट क्या है, बेरियम कार्बोनेट मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, मुझे भूख लगी है, और वो कुछ न कुछ खाने लगा। ऐसी ही घटना एक बार फिर घटी। मेरी जो पुरानी स्टडबेकर कार है उसका 1 गैलन जो पुराना इंजन ऑयल था वो मैंने कीड़े मकोड़े मारने के लिए रख रखा था और ब्रूनो जो है वहां चला गया और उसने इसे पी लिया, लेकिन उस पे भी ब्रूनो पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्रूनो खाने में इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी चीज को पचा सकता है। इसी प्रकार से समय बीतता गया और ब्रूनो जो है धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया। अब वो हमारे अल्सेशियन जो डॉग है उनसे भी बड़ा होने लगा था, परंतु अभी भी वह बहुत प्यारा था और उसी तरह से खेला कूदा करता था और उसी तरीके से शैतानियां भी करता था। हम सब लोग उसे बहुत अधिक प्यार करते थे और मेरी पत्नी जो है वो तो उसे बहुत अधिक प्यार किया करती थी। मेरी पत्नी ने उसका नाम ब्रूनो से बदल के बाबा रख दिया था, जो एक हिंदुस्तानी बच्चे का प्यारा नाम होता है। मेरी पत्नी अक्सर उसके साथ खेला करती थी, वो उसे कहती थी बाबा बॉक्स, और बाबा जो है सामने वाले को पंच मारने के लिए तैयार रहता। वो ब्रूनो को एक लकड़ी देती और उसे कहती बाबा होल्ड गन, तो वो तुरंत उस लकड़ी को पकड़ लेता और उसे गन की तरह सामने वाले की तरफ करता। और जब मेरी पत्नी उसे पूछती बाबा बेबी कहाँ है, तो उसके पास में एक छोटा लकड़ी का पट्टा था, उसे वो हाथ में लेके झुलाने लगता। धीरे धीरे जो है किराएदार के बच्चे आदि लोग ब्रूनो से डरने लगे और हमें अधिकतम समय ब्रूनो को बांध के रखना पड़ता था, क्योंकि अब ब्रूनो काफी बड़ा हो चुका था। तब मेरे बेटे ने और मैंने और हमारे मित्रों ने भी मेरी पत्नी को सलाह दी कि अब तुम्हारा ब्रूनो ये बाबा बियर जो है बहुत बड़ा हो चुका है, अब इसे मैसूर के जू में दे देना चाहिए, अब हम इसे घर पे नहीं रख पाएंगे। पहले तो उसने मना कर दिया, परंतु कुछ समय बाद में वो इस बात के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वो इस बात के लिए तैयार हो गई, मैंने मैसूर का जो जू है उसके जो इंचार्ज हैं उसको फटाफट एक पत्र लिखा कि क्या आपको अपने जू में एक पालतू भालू चाहिए। तो उसने कहा तुरंत उन लोगों ने एक पिंजरा और एक गाड़ी को वहां भेज दिया, जिसमें ब्रूनो 87 माइल्स दूर हमसे चला जाएगा। अब ब्रूनो को उस गाड़ी में और उस पिंजरे में बिठा दिया गया और ब्रूनो हम सब लोगों से विदा हो गया। हम सब लोग उसे बहुत अधिक मिस करने लगे, परंतु एक प्रकार से हम लोग थोड़ा रिलैक्स भी हो गए थे, क्योंकि ब्रूनो काफी बड़ा हो चुका था और वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। मेरी पत्नी तो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, वो ब्रूनो से अलग नहीं रहना चाहती थी। कुछ दिनों के लिए उसने कुछ खाया पिया भी नहीं और उस जू के इंचार्ज को बार बार पत्र लिखती रही कि बाबा कैसा है, और वहां से जवाब आया कि बाबा ठीक है, परंतु वह कुछ खाना पीना नहीं करता और उसका भी मन नहीं लगता। मेरे दोस्तों ने और हम सब लोगों ने ये अनुमान लगाया था कि अब ये बाबा हम लोगों को नहीं पहचानेगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम सोच रहे थे कि बाबा उसको भूल चुका होगा, पर बाबा जो है उसको भूलने वाला नहीं था। शायद जानवरों की याददाश्त बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अब जब भी कोई हमारा रिश्तेदार मैसूर जाता तो मेरी पत्नी उनसे कहती कि आप लोग बाबा से जरूर मिलके आना और मुझे आके बताना कि बाबा कैसा है। जब भी वो रिश्तेदार वापस लौटते तो बताते कि बाबा जो है अब काफी दुबला पतला हो चुका है और बाबा काफी उदास है। वहां के जो कीपर्स हैं वो कह रहे थे कि बाबा बहुत दुखी रहता है और ढंग से खाना पीना भी नहीं करता है।
तीन महीने तक मैंने अपनी पत्नी को रोक के रखा, पर अब मेरी पत्नी को और अधिक रोक पाना बहुत मुश्किल था। उसने मुझे कहा कि मुझे बाबा से मिलना है, अगर तुम मुझे लेके चलते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं अपने आप चली जाऊं। अंततः मुझे बाबा के पास उसे लेके जाना पड़ा। मेरे सारे दोस्तों ने और हम लोगों ने ये अनुमान लगाया था कि बाबा उसे नहीं पहचानेगा, परंतु जैसे ही वो पिंजरे के कुछ दूर थी, बाबा जो है उसने उसे पहचान लिया और वो कुछ से उछलने लगा और मेरी पत्नी भी दौड़ के बाबा के पास पहुंच गई। वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत अधिक खुश हुए। अगले 3 घंटे तक वो पिंजरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसने बाबा को खाने पीने का बहुत सारा सामान दिया और बाबा भी बहुत खुश हुआ। अब हम लोगों का वहां से विदा लेने का समय आ गया था और मेरी पत्नी बहुत बहुत जोर से रोने लगी और बाबा भी रोने लगा और वहां जो काम करने वाले लोग थे वो भी बहुत दुखी हुए। मैं अपने आप को तैयार कर रहा था आगे होने वाले काम के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी पत्नी अब क्या कहने वाली है। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे मेरा बाबा वापस चाहिए। तब वहां काम करने वाले लोगों ने कहा कि अब तो ये सरकार की प्रॉपर्टी है, अब हम लोग इससे आपको नहीं दे सकते। अगर आप हमारे सुपरिटेंडेंट से बात कर लें जो कि बेंगलोर में है, तो शायद ये आपको वापस मिल सकता है। उसके बाद में हम लोग बेंगलोर में चले गए और वहां पे सुपरिटेंडेंट से मुलाकात की और वो जो व्यक्ति है वो बहुत ही अच्छा इंसान था। मेरी पत्नी ने उसे समझाया कि बाबा और मैं एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। वहां पे वो भी बहुत दुखी और उदास है और मैं भी अपने घर पे बहुत दुखी और उदास हूँ। क्या आप मेरा बाबा मुझे वापस लौटा देंगे? वो बहुत ही अच्छा इंसान था, उसने हमें सहमति दे दी और उसके साथ में उसने चार्ज को एक पत्र भी लिखा कि इनको एक पिंजरा भी दे दीजिए ताकि ये अपने घर तक बाबा को आसानी से लेके जा सके। इस प्रकार से हम बाबा को वापस घर पे लेके आ गए, लेकिन बाबा को घर पे किस तरह से रखें यह भी एक समस्या थी। घर आने के बाद में हम लोगों ने बहुत सारे काम करने वाले लोगों को बुलाया और उसके बाद में हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग बाबा के लिए एक अलग कंपाउंड बनाएंगे ताकि बाबा वहां आसानी से रह सके और किसी को किसी प्रकार का खतरा भी नहीं हो। बाबा के लिए एक अलग से आइलैंड बनाया गया। यह लगभग 20 फीट लंबा था और 15 फीट चौड़ा था। यह चारों तरफ एक गहरे खड्डे से घिरा हुआ था जो कि 6 फीट चौड़ा और 7 फीट गहरा था, जिसे पानी से भर दिया गया था। इस आइलैंड पे एक लकड़ी का छोटा घर भी बनाया गया था ताकि बाबा उसके अंदर आराम से रह सके और रात को सो सके। बाबा के सारे खिलौने इसमें रखे गए थे। कुछ ही दिनों में ये आइलैंड तैयार हो गया और बाबा को वहां शिफ्ट कर दिया गया। बाबा बहुत खुश था, वह अपने पैरों पे खड़ा होकर नाचने लगा और अपने खिलौनों के साथ में खेलने लगा। मेरी पत्नी अक्सर उसके पास जाया करती थी और उसके साथ खेला करती थी। मेरी पत्नी का वहां जाने का तरीका भी बहुत ही अलग था। वह एक रस्सी के सहारे वहां जाया करती थी और उसी रस्सी के सहारे वापस आया करती थी। लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये जंगली स्लोथ बियर जो है उसका इंसानों के प्रति इतना अधिक स्नेह हो सकता है और उसकी याददाश्त भी इतनी अच्छी हो सकती है। If I were you, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में दो इसमें इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं। पहले का नाम है गेराड और दूसरा जो करेक्टर है वो है इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना इजाजत के आपके क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये एक बहुत ही शानदार कहानी है जिसमें दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ में बहुत चालाकियां खेलते हैं, लेकिन अंततः एक ही उनमें से सफल हो पाता है। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में कौन व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चकमा दे पाता है और वास्तव में सफल हो पाता है। गेराड जो है अकेला ही एक छोटे से कॉटेज के अंदर रहता है। उसका जो कॉटेज है वो बहुत ही साधारण है। उसके अंदर एक तरफ छोटा सा बेड है, थोड़ी बहुत कुर्सी है और एक कमरे के अंदर दीवान है जो एक साइड में रखा हुआ है और एक टेबल के ऊपर एक टेलीफोन रखा हुआ है। जब ये कहानी शुरू होती है तो गेराड जो है फोन के पास है और फोन पे किसी व्यक्ति से बात कर रहा है। गेराड जो है दिखने में ठीक ठाक हाइट का व्यक्ति है और उसने एक विशेष प्रकार के ग्लासेज जो हैं वो पहन रखे हैं
और उसी के साथ में उसने एक सूट पहन रखा है और उसकी जो आवाज है वो भी बहुत सभ्य व्यक्ति जैसी लगती है। गेराल्ट फोन पे बात करते हुए कहता है, ठीक है तुम उसे कह देना कि वो मुझसे बात कर लेगा, मैं किसी भी वक्त उसके लिए मौजूद हो जाऊंगा, लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, फिर भी मैं 10 मिनट के अंदर वहाँ ये सब कुछ उपलब्ध करा दूंगा। उसी प्रकार वो उस फोन पे व्यक्ति को अलविदा कहता है। जैसे ही वो फोन को नीचे रख के दूसरी तरफ चला जाता है तो उसे पता नहीं चलता है उस कमरे के अंदर एक दूसरा व्यक्ति है, वो भी प्रवेश कर लेता है और गेराल्ट जो है चुपचाप कोने में अपने सामान को पैक कर रहा था और वह इस तरह से व्यस्त था कि उसे पता भी नहीं चला कि दूसरी तरफ से कोई व्यक्ति कब एक हाथ में रिवॉल्वर लेके आ गया। उस व्यक्ति ने भी गेराल्ट की तरह एक लंबा सा कोट पहन रखा है, एक हेट लगा रखी है और अचानक वो टेबल से टकरा जाता है और इस कारण से वहां थोड़ी सी आवाज हो जाती है। गेराल्ट उसे मुड़ के देखता है और कहता है कि आपने मुझे सरप्राइज कर दिया। तब ये जो इंट्रूडर है वो कहता है कि मुझे खुशी है कि आपको ये सरप्राइज अच्छा लगा, लेकिन बहुत समय तक आप खुश नहीं रहोगे। गेराल्ट कहता है, ये तो बहुत ही ड्रामे से भरी हुई बातें आप कर रहे हो। इंट्रूडर उससे कह रहा है कि आप शांत रहो। गेराल्ट उसे कहना चाह रहा है, इसका मतलब मैं तुम्हारे काम में किसी प्रकार का कोई दखल ना दूं। इंट्रूडर कह रहा है कि तुम बहुत चालाक बनने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे से अधिक चालाक हूं और थोड़ी देर बाद में तुम मेरे पैरों के सामने रेंगने लग जाओगे। बस मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए और उन सवालों के जवाब सीधे सीधे आसानी से तुम्हें देने हैं। गेराल्ट कहता है कि जो भी तुम सवाल मुझसे पूछना चाहते हो मुझसे पूछ सकते हो, मैं सारी बातों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपने स्थान को बदलना पड़ेगा क्योंकि तुम अपने स्थान पर आरामदायक हो पर मैं अपने स्थान पर आरामदायक नहीं हूँ। तब ये इंट्रूडर जो है उससे कहता है कि तुम आराम से बैठ सकते हो, उसमें मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान रखना किसी प्रकार की चालाकी करने का प्रयास मत करना। गेराल्ट उसे कहता है, चलो अंततः मुझे एक विशेष प्रकार का श्रोता मिल ही गया जो मेरे बारे में कुछ न कुछ जानना चाहता हो, और मैं अब तुम्हें मेरी कहानी सुनाता हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था तो जिप्सी लोगों के द्वारा मुझे चुरा लिया गया और आज मैं लगभग 32 साल की उम्र में यहाँ पे एसेक्स के जो जंगल है वहाँ पे एक छोटे से कॉटेज में यहाँ आपके सामने मौजूद हूँ। ये जो इंट्रूडर है जो कि घुसपैठिया है, जो कि बिना इजाजत के गेराल्ट के कमरे में आ चुका है, वो कह रहा है कि मुझे अपने बारे में बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल उन्हीं सवालों का जवाब देना है जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। गेराल्ट कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं इसने सोचा कि आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हो। तब इंट्रूडर ने उससे पूछा, क्या तुम यहाँ अकेले ही रहते हो? तब गेराल्ट ने कहा, अगर मैं तुम्हारी बात का जवाब नहीं दूँ तो? तब इंट्रूडर ने उसको कहा, तुम इतने पागल तो मुझे नहीं लगते कि मेरी बातों का जवाब नहीं दोगे। इंट्रूडर का इस बात से उसकी बंदूक की तरफ पूरा पूरा इशारा था कि मेरे पास बंदूक है और तुम मेरी बंदूक से डरते हुए मेरी सारी बातों का जवाब सही सही तरीके से दोगे। तब गेराल्ट कहता है, अगर इस तरीके से तुम मुझे समझाओगे तो मैं तुम्हारी बातों का सही सही जवाब बिल्कुल दूंगा मिस्टर। इसका मतलब गेराल्ट जो है वो उसका नाम जानना चाहता है। इंट्रूडर कहता है कि तुम मेरे नाम की चिंता मत करो, मुझे तुम्हारा नाम अच्छा लगा है मिस्टर गेराल्ट। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है? तब गेराल्ट ने उसे बताया कि मेरा पूरा नाम जो है विंसेंट चार्ल्स गेराल्ट है। इंट्रूडर कहता है, क्या तुम कोई गाड़ी चलाते हो? गेराल्ट उसे मना करता है कि मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ। तब इंट्रूडर उसे कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन ये जान लो कि मैं तुमसे ज़्यादा चालाक हूँ। मुझे पता है तुम गाड़ी चलाते हो और मेरे साथ में तुम ये चालाकियाँ मत करो। गेराल्ट उससे कहता है, क्या तुम अमेरिका से हो या आपके बोलने का जो लहजा है किसी विशेष प्रकार का है? इंट्रूडर कहता है, मेरी बात को सुनो, मेरे पास ये जो बंदूक है
ये कोई खिलौना नहीं है, इसलिए मेरी बातों का सीधे सीधे जवाब दो। गेराल्ड फिर उसे कहता है, तुम्हें मुझे इस तरीके से समझाना चाहिए बंदूक दिखा के, ताकि मैं आपकी बातों का सही सही तरीके से जवाब दूं। इंट्रूडर कहता है, ये ठीक होगा, इसी तरीके से तुम्हें जवाब देने हैं। वो उससे पूछता है, क्या लोग तुम्हारे घर पे अक्सर आते जाते रहते हैं? गेराल्ड कहता है, नहीं, बहुत कम लोग ही मेरे घर पे आते हैं। मेरे यहाँ रोजमर्रा के सामान देने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, जैसे दूध वाला, सब्जी वाला और ब्रेड वाला। उसके अलावा तुम्हारे जैसा कोई भी आकर्षक व्यक्ति यहाँ नहीं आता है। इंट्रूडर कहता है, मुझे उम्मीद है यहाँ पे किसी भी प्रकार के विशेष लोग भी नहीं आते हैं, जो किसी व्यापार से जुड़े हो या किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हो, जिन्हें हम ट्रेड्स पीपल कह सकते हैं। तो गेराल्ड कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे यहाँ इस प्रकार के कोई भी लोग नहीं आते हैं। गेराल्ड उसे कह रहा है, मुझे लगता है तुमने मेरे बारे में बहुत सारी जानकारियां जुटा ली है, लेकिन तुमने अपने बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। इंट्रूडर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत कुछ अपने बारे में बता सकता हूँ, लेकिन तुम मुझसे चालाकी करने का बिल्कुल भी प्रयास मत करो। अगर यहाँ पे कोई बहुत चालाक है तो वो मैं हूँ, और तुम मुझे अपनी चालाकी मत दिखाओ, और अपनी चालाकी के दम पे ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो गेराल्ड कहता है कि मेरे कमरे के अंदर आने के लिए कौन सी चालाकी की जरूरत है? तुमने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया मेरे कमरे के अंदर आके? तब इंट्रूडर कह रहा है कि अभी तुम्हें नहीं पता कि मैंने कौन सा बड़ा काम किया है, परंतु कुछ समय बाद में तुम अवश्य ही जान जाओगे। ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। अब गेराल्ड को समझ में आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है किसी प्रकार का अपराधी है, वो उसके बारे में कुछ और जानना भी चाहता था। तो गेराल्ड उससे कहता है कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार के अपराधी हो, किस प्रकार के काम आप करते हो। तो इंट्रूडर कहता है कि मेरी विशिष्टता जो है वो गहने चुराने में है, और तुम्हारी जो कार है वो मेरे लिए बहुत ही अधिक सहायक होगी। तब गेराल्ड कहता है कि मैं तो एसेक्स के जंगलों में रहता हूँ, और यहाँ बहुत ही कम मकान है, यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, यहाँ तुम गहने कहाँ से चुरा पाओगे? तब इंट्रूडर कह रहा है, जैसा कि तुमने बताया, यहाँ बहुत कम लोग हैं, बहुत कम मकान है, उसी प्रकार से यहाँ बहुत कम पुलिस वाले भी हैं, इसलिए मुझे किसी प्रकार की परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। तो गेराल्ड कह रहा है, क्या तुम मेरे साथ में रहने वाले हो? इंट्रूडर कहता है, नहीं नहीं, यही तो तुम्हारा सरप्राइज है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला हूँ, मैं बिल्कुल अकेला रहने वाला हूँ। तब गेराल्ड आश्चर्यचकित हो गया, तो मैं कहाँ रहने वाला हूँ? बोला, तुम कहाँ रहने वाले हो? तुम्हें तो मैं मार दूंगा। गेराल्ड कहता है, ये तो बहुत ही अजीब व्यवहार तुम मेरे साथ में कर रहे हो। इंट्रूडर कह रहा है, मुझे माफ करना, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। गेराल्ड उससे कहता है कि तुम्हारा जो अपराध है वो चोरी का है, तुम अपने चोरी के अपराधों के साथ साथ में हत्या का अपराध जो है वो क्यों जोड़ रहे हो? इंट्रूडर कह रहा है, मैं कोई मजाक के लिए मर्डर नहीं करता हूँ, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैं पहले से ही एक मर्डर कर चुका हूँ, और दोबारा मर्डर करने पर मुझे दो बार फांसी पे नहीं लटकाया जा सकता। गेराल्ड कह रहा है, लेकिन तुम तो बेकार में ही दूसरा मर्डर करने जा रहे हो, इससे तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। इंट्रूडर कह रहा है, नहीं, इससे मुझे बहुत बड़ा फायदा होगा। इंट्रूडर कह रहा है कि मुझे आज़ादी मिल जाएगी, और कुछ समय बाद में मैं विंसेंट चार्ल्स गेराल्ड के रूप में आसानी से आज़ाद होकर जीऊँगा। मैं आराम से खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, सो सकता हूँ, और मेरे जो मन में आएगी वो मैं कर सकता हूँ, और पुलिस वाले को देखते ही मुझे भागने की आवश्यकता नहीं रहेगी। गेराल्ड उसे कहता है कि अधिकतर जो भी ड्रामा होते हैं उसमें विलेन जो होते हैं वो बहुत मूर्ख होते हैं, लेकिन तुम बहुत समझदार हो, तुमने मुझे अभी तक नहीं मारा है। इंट्रूडर कह रहा है कि हर एक चीज का एक कारण होता है। मिस्टर विंसेंट चार्ल्स गेराल्ड, तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अवश्य ही मार दूंगा। मुझे केवल तुम्हारे बारे में कुछ जानकारियाँ चाहिए थी जो मैंने लगभग ले ली है, और मैं तुम्हारी तरह पूरी तरह से बोल सकता हूँ,
और मैं तुम्हारी तरह दिखता भी हूं, इसलिए तुम इसकी बिल्कुल भी किसी प्रकार की चिंता न करो। गेराट कहता है, लेकिन तुम मेरी तरह से वेशभूषा नहीं पहनते हो। इंट्रूडर कह रहा है, उसकी तुम चिंता मत करो, मुझे केवल चश्मा पहनने की आवश्यकता होगी और मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा लगूंगा। तब गेराट कह रहा है कि तुम्हारे कपड़े तो मेरे जैसे नहीं हैं। इंट्रूडर कह रहा है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे कपड़े ले लूंगा, वो मुझे पूरी तरह फिट आ जाएंगे। गेराट कह रहा है, आप तो बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ इस प्रकार से क्यों रह रहा हूँ। गेराट कह रहा है, ये सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन आप एक बात को भूल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा है, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, और जो दूसरे ड्रामा के जो विलेन होते हैं उससे अधिक सौभाग्यशाली हैं, और किसी कारण से आप मुझे नहीं मारने वाले हैं। इंट्रूडर कह रहा है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैं आपको नहीं मारूंगा। गेराट उसे कह रहा है कि मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि तुम मुझे थोड़ी देर बाद में ही छोड़ने वाले हो। इंट्रूडर अब थोड़ा सा आशंकित हो गया है कि इस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है। वो उसे कहता है, जल्दी जल्दी बोलो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या तुम मुझे चकमा देना चाहते हो? ऐसा करने का बिल्कुल भी मत सोचना। तब गेराट उससे कहता है, मैं तुम्हें किसी प्रकार का चकमा नहीं देना चाहता, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। इंट्रूडर कह रहा है कि तुम मेरी बात सुनो, मैंने सारी योजनाएं बना रखी है। मैं एक जगह कोई काम किया करता था, वहां पे कुछ विवाद हो गया और मैंने एक पुलिस वाले को मार दिया। उसके बाद से मुझे यहाँ वहाँ भटकने के अलावा कोई भी काम करने को नहीं मिला और मैं पुलिस वालों से बचता हुआ फिर रहा हूँ। तो गेराट उससे कहता है, इसी कारण यहाँ वहाँ भटकते हुए तुम मेरे पास पहुँच गए। तब इंट्रूडर उससे कहता है, नहीं, यहाँ वहाँ भटकते भटकते मैं एल्सबरी पहुँच गया और वहाँ पे मैंने एक कार में तुम्हें देखा था और दो लोग वहाँ खड़े थे जो तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे कि ये जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी व्यक्ति है। अब गेराट कहता है, वास्तव में मैं बहुत ही रहस्यमयी व्यक्ति हूँ, लेकिन ये एक ऐसा रहस्य है जिसे मैं अब खोलना चाहता हूँ। इंट्रूडर कहता है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम अपना जो खाना है वो फ़ोन पे ऑर्डर कर देते हो, तुम अचानक बाहर चले जाते हो, अचानक वापस घर में आ जाते हो, और यही तो मैं चाहता हूँ। ऐसा ही जीवन तो मैं भी जीना चाहता हूँ, ताकि मुझ पे किसी भी व्यक्ति को कोई संदेह ना हो। तब गेराट उसे कहता है, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि मैं ऐसा जीवन क्यों जीता हूँ? अब इंट्रूडर उसे कह रहा है कि ये सब बातें मुझे परेशान कर रही है। गेराट कह रहा है, तुम मूर्ख मत बनो, अगर तुमने मुझे गोली मारने के लिए प्रयास किया तो तुम्हें फांसी पे लटका दिया जाएगा। अगर तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के कारण फांसी पे नहीं लटकाया गया तो तुम्हें विंसेंट चार्ल्स गेराट के रूप में लटका दिया जाएगा। इंट्रूडर कह रहा है कि ये तुम क्या कह रहे हो? गेराट उसे कहता है, यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा आश्चर्य है, सरप्राइज है। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे नहीं मारोगे और मैं सही साबित हुआ। अब तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें यहाँ से बच के नहीं जाना? पहले तुम्हें मेरी आदतें बहुत ही अजीब लग रही थी और तुम अपने आप को बहुत बड़ा चालाक अपराधी समझते थे। तुम्हें क्या लगता है, मैं संडे को स्कूल जाने वाला टीचर हूँ? मैं कोई भोला भाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ वो बहुत सोच समझ के करता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ, कोई विवाद हो गया था और मैंने वहाँ गोलियाँ चला दी और दुर्भाग्य से मेरा जो एक आदमी था वो पुलिस के हाथ लग गया और मेरे कुछ कागज भी उनके हाथ लग गए। आज रात मुझे किसी प्रकार की परेशानी होने वाली है, शायद पुलिस के लोग मुझे ढूंढने के लिए यहाँ आने वाले हैं। इसीलिए जैसा कि तुमने देखा होगा, जब तुम आए थे तो मैं अपने बैग को तैयार कर रहा था और मैं तुरंत अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ ताकि पुलिस के लोग मुझे पकड़ नहीं पाए। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो तुम मेरे इस जो सूटकेस है उसमें भेष बदलने के कपड़ों को देख सकते हो। ये नकली मूछें हैं और ये भेष बदलने का सामान भी यहाँ तुम देख सकते हो।
इंट्रूडर जो है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, पर उसे थोड़ा शक तो हो रहा था। गेराट कहता है, भगवान के लिए अपने दिमाग में उलझे हुए विचारों को रखना छोड़ दो, तुम मुझ पे विश्वास करो वरना तुम यहाँ फंस जाओगे। मेरे पास कार है, उसमें हम दोनों निकल जाएंगे, और तुम्हारे पास बंदूक है, अगर मैं कोई भी चालाकी करूं तो तुम मुझे गोली मार सकते हो। इंट्रूडर कहता है, शायद तुम सही कह रहे हो। तो गेराड उसे कहता है, तो अपना समय व्यर्थ मत करो, फटाफट मेरे साथ आ जाओ। इंट्रूडर उसे कहता है, ध्यान रखना मैं तुम्हें देख रहा हूं, किसी प्रकार की कोई चालाकी मत करना। गेराड उसे कहता है कि मैंने मेरे एक व्यक्ति को सड़क पे खड़ा कर रखा है, और जैसे ही पुलिस आएगी वो मुझे तुरंत सूचना दे देगा। उसके फोन आने से पहले पहले हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे ताकि पुलिस के लोग हमें नहीं पकड़ पाए। तभी टेलीफोन की घंटी बजती है और गेराट जो है वो टेलीफोन की तरफ आगे बढ़ता है। इंट्रूडर कह रहा है कि मुझे तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं है, हो सकता है तुम झूठ भी बोल रहे हो। गेराट उसे कहता है, मूर्ख मत बनो, इधर देखो ये एक दरवाजा है, इधर फटाफट चले आओ मेरे साथ में ताकि हम लोग यहाँ से निकल जाएं। अब इंट्रूडर जो है उस दरवाजे की तरफ जाता है, और जैसे ही इंट्रूडर उस दरवाजे की तरफ जाता है गेराड उसे उस दरवाजे में धक्का देता है, और वास्तव में वो जो दरवाजा है वो कोई कमरे का दरवाजा नहीं है, जबकि वो एक कबर्ड का दरवाजा है जो कमरे के दरवाजे की तरह लगता है, और गेराड जो है उसे उस कबर्ड के अंदर बंद कर देता है, और उसका जो रिवॉल्वर है वो बाहर ही रह जाता है। इस प्रकार से गेराड उसे कबर्ड में बंद कर देता है और वह सुरक्षित रह जाता है। इंट्रूडर चिल्लाता है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, तुमने मुझे धोखा दिया है। कुछ समय बाद गेराड जो है फोन को उठाता है और फिर उससे बात करता है कि मुझे माफ करना, मैं ड्रामा की रिहर्सल के लिए तुम्हें जो सामान उपलब्ध कराना चाह रहा था वो नहीं करा पाया, लेकिन चिंता मत करो अब सब कुछ ठीक है। मेरे साथ बहुत ही रुचिकर घटना घटी है, उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, और हमारा जो अगला ड्रामा होगा उसके अंदर मैं उस घटना को जोड़ दूंगा। हाँ एक काम करना, हमारा जो दोस्त सार्जेंट है उसे कहना कि वो मेरे पास आ जाए, क्योंकि मुझे उसे किसी प्रकार का सरप्राइज देना है।